नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निष्फाउंडेशन देख रहे हैं। गोपालगंज में 70 घाट पुल बह गया तो इस पर सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष के निशाने पर है नीतीश कुमार और उनकी सरकार। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से इस पुल का अप्रोच जो है वो गंडक नदी के तेज बहाव में महज 29 दिन में ही बह गया। आज जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव इस पुल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। पप्पू यादव ने यहाँ पर पुल की स्थिति को देखा, उसके बाद उनके निशाने पर नीतीश कुमार थे, उन्होंने जम के हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, और उसके बाद आप केस कर दीजिए। गांव के लोग यदि अपने बच्चों के लिए आवाज उठा है, बाहरे डेमोक्रेसी और बाहरे लोकतंत्र, जन से ऊपर कोई नहीं। जिसने कान कटाया उसी को कहा कनकट्टा। शीशे के घर में पत्थर मारते हो उस पर जिसको भगवान मानते हो। मैं हमेशा आपको बात करता हूं कि आप जरा सा हमें बताएं, क्या बिगाड़ लीजिएगा आप? ठेकेदारों से आपने जबरदस्ती केस होना चाहिए, ठेकेदार पर सजा होना चाहिए, ठेकेदार को बर्खास्त करना चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, स्कूटी और सारे पदाधिकारी को जांच होना चाहिए, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का जांच होना चाहिए। हर पुल में घोटाले क्या हुए हैं उसका, तो आप आम आदमी पर जबरदस्ती केस कर रहे हो। तो एक बात याद रखिएगा, आप कोनो अलाउद्दीन के चिराग नहीं हो सुशासन बाबू। 15 साल सौदा किए हो ना, 15 लाख से 5 किलो चावल पर आ गए मोदी। पुल से आप ये मत समझिए एक पुल है, हंडी का, जब हंडी में चावल पकता है तो एक चावल से पता चलता है भात पक गई। तो इस पुल से पता चलता है कि 15 साल का सुशासन, 60-60 घोटाला का नायक, अपराधी माफिया के बदौलत सत्ता और एमएलए एमपी बनाने वाला ये। हम 2-4 दिन पहले भी अमरा मसला कुशवाहा में आके बोले थे, हमने ऋतु जसवाल में बोला था कि आप गोपालगंज को चारागाह अपराधियों का क्यों बनाते हो और जात का उन्माद पैदा क्यों करते हो। आज फिर कह रहा हूं कि सुशासन बाबू, आप बहुत पहले पटना के पानी में 11 दिन नहीं निकले। पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के चिमकी बुखार में आपको 14 दिन लग गया। 300 दलित मरने के बाद कोरोना वायरस में आप मौज मस्ती ले रहे हैं सब इंटायर एमएलए। बाढ़ में आप लोगों को मरने छोड़ दिए। तो पहले कोरोना वायरस और बाढ़ में एक दिन गंडक के भीतर गांव में जाके ये नेता अपने परिवार के बीच रहे, तब इसको औकात का पता चलेगा। आज 9 दिनों से नदी 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 होते हुए मैं आपके यहाँ आया हूँ और रात में मैं नौतन में हूँ। ये जब सोएंगे ना जनता के बीच, ये बांझ जाना परसौती के हाल, ये कभी इसको रिश्ता का क्या पता, इसको गरीब और आम आदमी के दर्द का क्या पता नहीं है। अब चर चर 5-5 महीना घर में सोए रहते हैं। अभी सब के सब सरकार क्वारंटाइन हो गया, लगभग सारे लोग गायब हैं। जनता को आप मरने पर छोड़ दिए। बाढ़ में उनके पास राशन है कि नहीं, नौ है कि नहीं, आपने 8.5 हजार करोड़ रुपया कोरोना वायरस में आपने लिख दिया खर्चा हुआ। अब गांव में मास्क पहुंचा कि नहीं, साबुन पहुंचा कि नहीं, सांप का दवाई है कि नहीं, हालात कितने बुरे हैं नदियों के भीतर रहने वाले और नदियों के किनारे रहने वाले गाँव की, गांव का गांव समाप्त हो जाता है। हजारों लोग इस इलाके में, आप देखिएगा मिथिला कोसी सीमांचल इस इलाके को ले लीजिएगा तो आपको पता चलेगा बाढ़ जो है ये वरदान था पहले नदी, अब अभिशाप हो गया। गरीबी और बीमारी का मुख्य कारण हो गया बाढ़। अरबों खरबों रुपया हम हर साल बाढ़ हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया। हम जनता के पैसा का हर साल करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं और उतना ही फसल, उतना ही शारीरिक क्षति, घर की क्षति, पुल की क्षति, स्कूल की क्षति, सड़कों की क्षति। हर, अब कोई पुल और सड़क बांध के भीतर का बना नहीं,
लेकिन मंत्री संतरी एमएलए एमपी ये फाइनल कर देता है कि बांध पुल बनी थी, सड़कें बनी थी, बाढ़ आया और टूट गया, जबकि वो नहीं बनी। तो बारिश के समय आप किसी फ्लड फाइटिंग का काम क्यों करते हो? बाढ़ के समय आप काम क्यों शुरू करते हो? जब बारिश और बाढ़ नहीं होता है, जब सूखा ही रहता है, तो उस वक्त आप काम क्यों नहीं करते? इसीलिए काम आप नहीं करते हैं कि फ्लड फाइटिंग में हमने कितना बोरा डाला, कितना बोल्डर डाला, हमने वो किसी को पता नहीं। और वो जब हम ऐसे समय में काम करते हैं तो कोई उसकी आरटीआई नहीं हो सकती है।